अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मदनी और मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। तो माशाल्लाह पीछे आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सुबह हो रही है, दिन निकल रहा है। मैं इस टाइम वॉक करने के लिए आया हूँ अपने घर से कोई एक किलोमीटर दूर। तो माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू हो रहा है इधर। तो यार मैं ना वॉक कर रहा था, मेरे जहन में ना एक बात आई है यार। देखें अभी लोग कहते हैं कि आप हर चीज़ को रेगुलरली कर सकते हो, जैसे कि आप मसलन वॉक कर रहे हो तो आप कर सकते हो जितने दिन आप करते हैं, लेकिन नहीं, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है आपको। इसके अंदर बकायदा एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि यार मैंने इस टाइम वॉक पे जाना है, इस टाइम आना है, मुझे टाइम होगा, मुझे टाइम निकालना होगा। तो ये बात जहन में रखें, आपने कुछ भी करना है तो स्केड्यूल अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिससे आप हर चीज़ को अकम्पलिश करें, हर चीज़ कर सकते हैं। तो ना अभी मैं एक जगह पर आया हूँ, ये मेरे घर के बहुत ही करीब है, ज़्यारत भी है, अभी तो ज़्यारत बन चुकी है, पहले भी ज़्यारत थी, लेकिन अभी यहाँ पर मेरा स्कूल है जहाँ पर मैंने क्लास 7 तक पढ़ा। ये सामने आप मेरा स्कूल देख सकते हैं, ये मेरा स्कूल है। मैं चल के आपको करीब से दिखाता हूँ। और क्या कहते हैं, नीचे ज़्यारत है बीर गर्स। ये कुएं की हिस्ट्री है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पानी, ये जो कुआँ है, ये जन्नत का कुआँ है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से पानी पिया, और साथ में क्या कहते हैं, इधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, और साथ में फरमाया कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे इसी कुएं के पानी से गुसल दिया जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को करीब से चल के दिखाता हूँ। ये बस मैं पहुँच गया हूँ, बहुत ही करीब हूँ मैं, आप देख सकते हैं जी, मैं करीब पहुँच आया हूँ। माशाल्लाह ये कुएँ हैं, अभी तो फ़िलहाल बंद है, सुबह सुबह का टाइम है। मैंने कहा चलो आपको वॉक करते करते दिखा देते हैं। ये भाई पानी की बोतलें बेच रहे हैं ताकि लोग इधर से पानी की बोतलें लेके इधर आके पानी भर के लेके जा सके अपने मुल्क। हुज्जाज कराम इधर बहुत आते हैं, अभी तो बंद है, ये खैर खुल जाता है जोहर के टाइम, खुल जाता है ये। इसके अंदर ये जो आपको जाली नज़र आ रही है, इसके अंदर कुआँ है बीर गर्स, वो मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है बीर गर्स जी। तो ये मेरा स्कूल है, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की, ये बंद है। ये दारुल हिजरा, फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये दारुल हिजरा, यहाँ पर मैंने क्लास यानी प्रेप से लेके 7 क्लास तक मैंने इधर स्कूलिंग की है, इधर मैं पढ़ाऊँ। ये बीर गर्स है माशाल्लाह, अभी इधर ही मैं आया हूँ। मैंने कहा चलो वॉक करते करते आप लोगों को ये भी दिखाऊँ। ये था जी क्या कहते हैं कुआँ, ये जन्नत का कुआँ है माशाल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत का कुआँ है, ठीक है जी। देखें खैर इधर रश वगैरह नहीं है क्योंकि अभी सुबह सुबह हुई है, अभी तो सूरज भी सही से नहीं निकला, ठीक है। जब इधर सूरज निकल आता है यानी जोहर का टाइम हो जाता है तो लोग इधर ज़्यारत करने के लिए आते हैं, हुजाज कराम आजकल आ रहे हैं, लेकिन उमरा ज़ायरीन वगैरह आते हैं इधर आके करते हैं ज़्यारत करते हैं, और इधर से पानी की बोतलें हैं, इधर पानी की बोतलें ख़रीद के पानी की बोतलें भर के अपने मुल्क वगैरह लेके जाते हैं। तो ये मैंने ज़्यारत कर ली, अभी चलते हैं घर वापस, घर वापस चल के फिर आपसे मिलते हैं। वो ख़त्म हो चुकी है, ये मस्जिद के पास बस अपने घर वाला मोड़ आ गया है, बस घर पहुँच जाएंगे अभी। माशाल्लाह सूरज भी उधर से निकल रहा है, बस पहुँचने वाला हूँ मैं घर, घर पहुँच के फिर नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। घर में पहुँच गया हूँ, अभी अंदर जा के शूज़ वगैरह उतारते हैं, फिर उसके बाद देख। तो अभी चलते हैं जी नाश्ता लेने, आप भी चलें साथ। ये मैंने अभी नाश्ता ले के घर चलते हैं, घर बैठ के नाश्ता करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं जा रहा हूँ तहफीज़, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, मैं अभी कुरान पढ़ने जा रहा हूँ। तो 7:50 हो रहे हैं, तो 8:30 क्लास हमारी शुरू हो जाती है, तो कोई 10-15 में मैं पहुंच जाऊंगा, इधर जाके रिवाइज वगैरह करूंगा, तब तक उस्ताद आ जाएंगे हमारे। तो सबक वगैरह लेने के बाद मैं जोहर के टाइम फारिग हो जाऊंगा, तो जोहर के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। मस्जिद के पास पहुंच आया हूं, अभी देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया, मुझे तो लगता है अभी तक कोई भी नहीं आया होगा, मैं शायद 10-15 जल्दी चल चुका हूँ। तो खैर अभी चलते हैं मस्जिद में, मस्जिद में आ गया हूँ लेकिन मस्जिद में कोई नहीं है। खैर अभी चल के नफल अदा करते हैं मस्जिद के दाखिल के।
तो यार नफर वगैरह अदा कर लिए मैंने, और मैंने रिवीजन भी कर ली है, अपना सबक वगैरह भी मैंने देख लिए, दोबारा से याद कर लिए। अभी बस मैं वेट कर रहा हूँ, उस्ताद वगैरह आएंगे, सब लोग आएंगे तो फिर इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे। तो फिर लंच के टाइम इंशाल्लाह, छुट्टी के जब छुट्टी हो जाएगी तो लंच पर मिलते हैं। यार अभी मैं बस तहफीज से निकला हूँ, मुझे घर के पास पहुँच आया हूँ, क्लास वगैरह ख़त्म हो गई थी, गर्मी बहुत है, तकरीबन 47 टेम्परेचर है, बहुत ही गर्मी है यार। अबू सोए हुए थे, मैंने कहा उनको डिस्टर्ब ना ही करूँ तो अच्छा है, इसलिए मैं खुद से ही आ गया। अभी घर चल के लंच वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।